इसके अलावा ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिसका अब पूरी तरीके से प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है बांग्लादेश के हालातों की वजह से? सबसे पहले तो होगा इन्फिल्ट्रेशन का, जिसमें पाकिस्तान जो है ऑलरेडी अपने जो हैं, आपने देखा किस हिसाब से उनके जो वहाँ से आईएसआई के जो ये इनके जो टेररिस्ट वगैरह जो ट्रेंड हैं, वो किस हिसाब से बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके जो है हिंदुस्तान के अंदर घुस रहे हैं। दूसरा जो होगा डेमोग्राफिक जो चेंज है, क्योंकि अब हिंदुस्तान के अंदर तो जो है तो है, पर बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ जो है वो किस हिसाब से चीज चलेगी। आपने देखा अभी पीछे हाल ही में वो बीएनपी के जो सपोर्टर थे वो हिंदू थे दोनों, वो उनको मार दिया गया, सरेआम लिंचिंग की गई उनकी। उसी हिसाब से हिंदुओं के मंदिर वगैरह जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं वहां पे, एक हिसाब से एक एंटी हिंदू वेव जो है वो क्रिएट करा जा रहा है वहां पे ये इन इस्लामिस्ट से। और इसको ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है, फिर वही मैं कहूंगा कि एक तरीके से ये जो मुल्क है बांग्लादेश जो है वो भी कट्टरपंथी की तरफ चल पड़े, और जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अपना जो मैं कहूंगा बिल्कुल बेड़ा गर्क किया है, वही हिसाब इधर करेंगे। और वही हिसाब जैसे अफगानिस्तान में है कि वहां तालिबान है, या पाकिस्तान में हमारे जो है पड़ोस में आईएसआई वो काम करता है उसका, और यहाँ पे भी वो अपने टेंटिकल उसी हिसाब से कर रहा है। तो ये जो चीज है, और तीसरी बात ड्रग्स और आर्म्स की स्मगलिंग, ये सबसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से वहां से बांग्लादेश और बाकी जगह से ये सारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसकी, जो ड्रग्स और इन चीजों की वहां। तो ये जो चीज है, और एक मैं भूल गया वो है काउंटरफीट मनी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो वहां है वहां पे जो जो पीछे भी जो पहले जब डीमोनेटाइजेशन से पहले जो हमारे पैसे थे वो भी वहां पे आईएसआई ने वहीं से जो है इनफिल्ट कराने की कोशिश करता था, और अब भी वो फिर वही वहां से कराएगा। तो ये चार पांच चीजें हैं जो बड़ी हिंदुस्तान को इमीडिएट जो है एकदम असर पड़ने वाला है।